हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ समर स्पेशल फ्रूट रायते की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप के करीब फ्रेश दही। उसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ फ्रेश फ्रूट्स लिए हैं, आप अपनी चॉइस से जो चाहें वो फ्रूट्स ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर उसके अलावा खीरा भी ली है। आप सारे फ्रूट्स ले सकते हैं सिर्फ आम को छोड़कर, क्योंकि अगर आप आम फ्रूट रायते के अंदर ऐड करते हो तो उससे आपको किसी भी तरह की कोई भी एलर्जी हो सकती है, तो इसलिए आप आम को अवॉइड करें। अब सबसे पहले हम दही रेडी करेंगे। दही रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच शुगर पाउडर। आधी चम्मच के करीब काला नमक, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा। आप जीरे को भूनकर फिर इसके अंदर डालें, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1/3 चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब हम इन सारे मसालों को विस्कर की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। हमें यहाँ पर दही बिल्कुल फ्रेश ही लेना है। अगर आपका दही थोड़ा सा भी खट्टा है तो आप इसमें चीनी की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दें। मैंने यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश दही लिया है, इसलिए यहाँ पर 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पर चीनी ऐड की है। ये देखिए, हमारा दही जो है बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही झटपट बनकर रेडी हो जाता है। अब सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये चुकंदर। आप चाहे तो चुकंदर अवॉइड भी कर सकते हैं, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सारे फ्रूट्स डाल सकते हैं सिर्फ आम को छोड़कर, वरना इससे आपको किसी भी तरह की कोई एलर्जी हो सकती है। ये देखिए, मैंने इसके अंदर खीरा भी डाल दिया बारीक कटी हुई। इसके अंदर बनाना और एप्पल का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है, आप वो भी इसमें अंदर ऐड कर सकते हैं। और अनार तो आप कंपलसरी डालिएगा, अनार से फ्रूट रायते का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। बाकी फ्रूट्स आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग में। ये देखिए, मैंने सारे फ्रूट्स इसके अंदर डाल दिए हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, ये रेसिपी जो है कितनी जल्दी बनकर रेडी हो जाती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। फ्रूट रायते की रेसिपी आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी आपके बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इसमें उनके सारे पसंदीदा फ्रूट्स होंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आपका ये फ्रूट रायता सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आपको मेरी इसी तरह की रेसिपीज़ के लिंक मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं मेरे अदर रेसिपीज़ के लिंक। प्लीज़ मेरी रेसिपी पर लाइक, कॉमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।